दोस्तों, मैं अरशद की दोस्त पारुल चावला हिरद्याश की मम्मा। सर्दियों का सीजन हो और पिन्नी की रेसिपी शेयर न की जाए, ये तो अपने सब्सक्राइबर के साथ चीटिंग होगी। तो आज मिलते हैं पंजाबी स्टाइल में घर में आटे से बनी हुई पिन्नी बहुत ही इजी मेथड से। तो मिलते हैं आज की पिन्नी की रेसिपी पे। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, पिन्नी का सामान के लिए जो जो हमें सामान चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम मखाने और आधा किलो गेहूं का आटा और 50 ग्राम गोंद और लगभग 70 से 80 ग्राम सूजी, आधा किलो देसी खांड और 50 ग्राम मगज, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। इन सबको हम पहले मगज को और काजू को, बादाम को और साथ में ही गोंद को घी में फ्राई कर लेंगे। आधा किलो हम इसमें देसी घी डालेंगे। दोस्तों, मैं स्पेशली अपने घर में जब भी पिन्नी बनाती हूँ तो उसमें देसी खांड का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो बूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देसी खांड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। स्पेशली बाजार जैसी पिन्नी बनाने के लिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में जितनी मात्रा में आप आटा लेंगे और उतनी ही मात्रा में आपको देसी घी भी लेना है, ताकि पिन्नी सॉफ्ट बने, शाइनी बने और टेस्टी बने। पहले हम मीडियम फ्लेम में घी डाल के मखानों को फ्राई कर लेंगे। इसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो हमने फ्राई करता है उससे हम कभी भी जैसे हम टिश्यू पेपर वगैरह यूज करते हैं, नैपकिन वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर इनका घी ऑब्जर्व हो गया तो इनको फ्राई करना यूजलेस हो जाएगा। हम इन मखानों को या किसी भी ड्राई फ्रूट को हम इसमें पिनियों में डाल सकते हैं और यकीन मानिए जितना ड्राई फ्रूट हम इसमें यूज़ करेंगे टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। इसमें जो हम मखाने फ्राई करते हैं उनका मेन रीज़न होता है उसके अंदर का मॉइस्चर निकालना, ताकि वो इजीली हमारे जो ग्राइंड हैं वो हो जाए। मखाने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पिन्नी में मखाने यूज़ करें, बट मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि इससे टेस्ट बढ़ता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मखाने और काजू इकट्ठे फ्राई करे हैं, इनको भी हम फ्राई करके मीडियम फ्लेम पे निकाल लेंगे। जो काजू हैं, बादाम हैं, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और इवन अगर हम मगज डालेंगे तो वो भी कुछ ही सेकंडों में रोस्ट हो जाएंगे। किशमिश को फ्राई करने की नीड नहीं होती। सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट होने के बाद उसके बाद दोस्तों हम सूजी को बिना किसी घी के सिर्फ रोस्ट करेंगे, विदाउट एनी ऑयल हम उसको रोस्ट करके करेंगे, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर निकल जाए और जो एक हम कहते हैं ना कि कच्चापन, वो भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सूजी जिसे हम किशमिश कहते हैं दोस्तों, उसको रोस्ट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही डल के स्वाद बनते हैं और उसको रोस्ट कभी नहीं किया जाता। बट सूजी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसके अलावा जो हम आटा है उसके अंदर जो हम घी डालेंगे उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म तक भूनेंगे, जिसे भूनने में एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं भूनती हूँ उसको, और अगर आपको उसमें घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप घी और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो देसी खांड का इस्तेमाल करते हैं वो मैं 400 ग्राम ही लूंगी, इवन 350 ग्राम लूंगी, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ही कम पसंद किया जाता है। बट आप उसको 500 तक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों, देखिए हमारे सारे सामान की प्रिपरेशन हो चुकी है। आटा अच्छी से लिक्विड फॉर्म में भून चुका है, ड्राई फ्रूट ये है और जो मैंने आपको बताया था किशमिश, वो हमने नहीं भूनी है, और ये हमारी मीठी खांड है, देसी खांड जिसे हम बोलते हैं। और देख लीजिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने ये कुछ खांड उसमें से बचाई भी है, लगभग 350 ग्राम के अराउंड डाली है, क्योंकि मेरे घर में मीठा ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी हेल्दी पिन्नी है, इसे हम पंजाबी स्टाइल पिन्नी भी बोलते हैं, आटा की गोंद पिन्नी भी बोलते हैं। ये बच्चों के लिए
बहुत ही फायदेमंद है। जो बच्चे हमारा खाना वगैरह नहीं खाते हैं उसको स्किप करते हैं, अगर वो दिन में दो से तीन पिन्नी भी ले लेते हैं तो उनके पूरे दिन की डाइट हो जाती है, सफिशिएंट है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो मिलते हैं लड्डू बनाने के बाद। यहाँ मैं दूंगी आपको एक छोटा सा सीक्रेट टिप्स। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम सूजी को पिन्नी में ऑलमोस्ट सभी लोग मिलाते हैं, बट वो उसको ड्राई रोस्ट करते हैं और लास्ट में मिलाते हैं। बट मैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट देती हूँ कि जब हमने घी का आटा भून लिया है तो हम उसमें जो ड्राई करी हुई सूजी है, ऑलमोस्ट जब पूरा पोर्शन फुल हो चुका है, आटा पूरी तरह से भून चुका है, घी छूट चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, लास्ट मोमेंट पे हम उसमें सूजी मिला के हिला के अच्छी तरह से तेज आंच पे फिर बंद करेंगे, ताकि जो उसकी गर्मी है उसमें हमारी जो सूजी है उसमें भी घी का जो अरोमा बोलते हैं वो आ जाए। दोस्तों मैं आपको सच बताऊंगी कि मेरे को इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने लिक्विड फॉर्म में घी को और ऐड किया है। अगर आपको भी कम लगे तो आप इसको ऐड कीजिए और सॉफ्ट सॉफ्ट गोल गोल लड्डू बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों स्वादिष्ट स्वादिष्ट आटे की पिन्नी तैयार है, यमी यमी पिन्नी तैयार हो चुकी है, गोल गोल लड्डू, आइए आप सब भी एंजॉय कीजिए। रियली आटे की पिन्नी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यमी है, बट वो यमीनेस का पता चलेगा जब आप अपने आप बना के देखेंगे। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछिए, प्लीज़ बताइएगा आप सब भी ट्राई करके ये पिन्नी कैसी बनी है। तो मैंने आज का आटा पिन्नी का ब्लॉग स्पेशल अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया। अगर आपको ये पिन्नी अच्छी लगे प्लीज़ आप सब अपने घर में जरूर एक बार बनाइए, और अगर आप सबको ये पिन्नी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और आप सबको अगर इसी तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Ba 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 ba